हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन लेट टू एक्स स्क् प्लस वाई स्क्र माइनस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो बी द इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू अ सर्किल ऑफ रेडियस थ्री विद सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ ए इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए तो हमें ओ ए की लेंथ बतानी है क्या होगी स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा अगर पेयर ऑफ लाइन्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस में बी बीवाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ठीक है और हम बोल रहे हैं इफ थीटा इज द एक्ूट एंगल इफ थीटा इज द एक्ूट एंगल बिटवीन बिटवीन दीज लाइंस, दीज लाइन से देन देन हम जानते हैं कि टेन थीटा का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आता है मॉड्यूलस ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस में ए बी अपॉन में ए प्लस बी ऐसे होता है ठीक है तो अब ध्यान से देखो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो पहले तो सिचुएशन बना लेते हैं किस तरीके की सिचुएशन है मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया है एकदम स्ट्रेट इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया इस तरीके से अब जो हमारा सर्किल है ना वो क्या है सर्किल का सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मान लो इस तरीके से कोई सर्किल हो रहा होगा इसका ये सेंटर है इस पर पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ड्रॉप करी गई है तो मान लो ये हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से ड्रॉप करी जा रही है ये पॉइंट मान लेते हैं ए ये ओ हो गया तो हमें ओ ए डिस्टेंस ही बतानी है ये मान लो इसका सेंटर ओ डैश हो गया तो ओ को हम ओ डैश से मिला देते हैं तो हम क्या समझ सकते है इन हैं तो कंपेयर करने पर ए का वैल्यू यानी क्या आएगा टू आएगा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा और एच का जो वैल्यू है क्योंकि देखो 2h का वैल्यू माइनस थ्री आएगा तो h का वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू आ जाएगा ये तो कंपैरिजन से हो गया तो अब टेन थीटा का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ मॉड ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर यानी नाइन अपॉन फोर माइनस ए बी यानी टू मल्टीप्लाई वन टू हो जाएगा अपॉन में ए प्लस बी यानी ए प्लस बी यानी कि थ्री हो गया ठीक है यानी इधर से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू बन रहा है इधर देखो एलसीएम लेंगे तो नाइन माइनस एट क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो वन बाई फोर उसका रूट करेंगे तो वन बाई टू वन बाई टू टू से मल्टीप्लाई होगा तो वन ही आएगा यानी मॉड ऑफ ये वन बन जाएगा अपॉन में थ्री यानी वन बाई थ्री आ रहा है अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि टेन टू थीटा क्या होता है टेन टू थीटा होता है टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब इसी बेस पे अगर हम लिखना चाहते हैं टेन थीटा का वैल्यू तो वो किसके इक्वल आएगा टेन सॉरी टू टेन थीटा अपॉन टू हो जाएगा इधर अपॉन में वन माइनस थीटा अपॉन टू ये आ जाएगा अब टेन थीटा का वैल्यू तो हमें पता है वन अपॉन थ्री है दैट इज इक्वल टू टू और एक बार के लिए हम टेन थीटा अपॉन टू को टी बोल रहे हैं तो टी अपॉन में वन माइनस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वन माइनस टी स्क्र का वैल्यू कितना हो जाएगा सिक्स टी के इक्वल सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे टी स्क्वायर प्लस में सिक्स टी माइनस वन डेट इज इक्वल टू जीरो तो इधर से टी का वैल्यू निकाल लेते हैं वो क्या आएगा माइनस सिक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स और प्लस में कितना आएगा फोर आ जाएगा ठीक है जो कि फोर्टी होता है अपॉन में टू मल्टीप्लाई वन यानी कि टू हो गया ये ठीक बात है अब फोर्टी को हम लिख लेंगे फोर मल्टीप्लाई में टेन और रूट ऑफ फोर टू होता है टू को हम बाढ़ निकाल लेंगे यानी टी इज इक्वल टू कितना आएगा देखो माइनस सिक्स प्लस माइनस टू रूट ऑफ टेन अपॉन में अपॉन में टू आ जाएगा यानि यह बन जाएगा माइनस थ्री प्लस माइनस रूट टेन अब ये टेन थीटा अपॉन टू का वैल्यू है टेन थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस थ्री प्लस माइनस रूट टेन अब देखो हम केवल प्लस का साइन ही ले सकेंगे यहाँ से ठीक है यहाँ से केवल हम क्या साइन ले सकेंगे प्लस का साइन ही ले सकेंगे क्यों होगा ऐसा क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है एक्यूट एंगल है तो थीटा अपॉन टू भी एक्यूट एंगल है ठीक है तो जो टेन थीटा अपॉन टू है इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा ठीक है तो अगर इसका वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए तो टेन थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस में रूट टेन ही ले सकते हैं अब ये तो टेन थीटा अपॉन टू का वैल्यू आ गया ठीक है अब अगर हम ओ डैश और ए को ज्वाइन करें तो इधर से परपेंडिकुलर होगा ना टेंजेंट पे तो अगर हम इस ट्राइंगल देखें ओ डै ए इस ट्राइंगल में टेन थीटा अपॉन टू का वैल्यू लिखेंगे तो टेन थीटा अपॉन टू को हम क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस परपेंडिकुलर है ओ डैश ए जो कि हमारी रेडियस है रेडियस दी हुई है थ्री थ्री यूनिट और अपॉन में जो ओ ए हमें निकालना है वो हो गया तो ओ ए अगर इधर से निकालेंगे तो थ्री अपॉन में टेन थीटा अपॉन टू जिसका वैल्यू है रूट टेन माइनस में थ्री इसको रैशनलाइज कर लो तो थ्री अपॉन में रूट टेन माइनस थ्री ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट टेन प्लस थ्री से और नीचे भी सेम रूट टेन प्लस थ्री से ये कितना बन जाएगा थ्री मल्टीप्लाई में रूट टेन प्लस थ्री अपॉन में यहां पे ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग गई तो रूट ऑफ टेन का स्क्वायर टेन माइनस में नाइन हो जाएगा इसका मतलब है आंसर आ गया थ्री मल्टीप्लाई में रूट टेन प्लस में थ्री ये हमारे रिक्वायर्ड ओवे डिस्टेंस है और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक